हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। अगर आप लोग एक पावरफुल टॉर्च वगैरह ढूंढ रहे हैं जो काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ब्राइट रोशनी और काफी लॉन्ग रेंज के साथ आता हो, तो ये दोस्तों रॉक लाइट के ब्रांड के साथ आने वाला पावरफुल रिचार्जेबल टॉर्च है, जिसके लिए अनबॉक्सिंग रिव्यू वगैरह करूंगा। इसकी प्राइसिंग और फीचर्स वगैरह बताऊंगा। अरे बताऊंगा क्या इस प्राइस में इस टॉर्च को आपको परचेज वगैरह करना चाहिए कि नहीं, अगर परचेज करते हैं तो किसकी जगह किस किस पर्पज से यूज वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए फिर दोस्तों, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, काफी यूजफुल होने वाली है। और वीडियो को दोस्तों एंडिंग में क्वेश्चन वगैरह करूंगा, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, उसका आप लोग आंसर वगैरह करना होगा। अगर आप लोग सही से आंसर वगैरह करेंगे तो किसी को कुछ मैं प्राइज वगैरह दे सकता हूँ थोड़ा बहुत कुछ। तो आप लोग वीडियो को वॉच वगैरह कीजिएगा। तो फटाफट अगर आगे बढ़ने से पहले बता दूं, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसके बगल में बेल आइकन को उसे इनेबल कर दीजिए, ताकि ऐसे कोई डिटेल वीडियो लाते रहता हूं उसे अपने फोन पे सबसे पहले देख पा रहे, उसके बगल में बेल आइकन को उसे इनेबल कर देना। तो चलिए फिर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बॉक्स पैकिंग की बात करूं, तो यहां पे आपको 100 वॉट लेजर की ब्रांडिंग की गई है, रॉक लाइट की ब्रांडिंग की गई, ब्राइट योर लाइफ की ब्रांडिंग की गई, तो ये सब चीजें ब्रांडिंग में रखी गई। यहाँ पे आपको RL 7144 मॉडल नंबर है जिसकी ब्रांडिंग की गई। तो बॉक्स पैकिंग तो काफी बड़ी है, देखने में सही लग रही है। फटाफट यहाँ पे आपको सिंपली रॉक लाइट की ब्रांडिंग की गई। तो यहाँ से ओपन वगैरह करते हैं दोस्तों, देखने करते हो टॉर्च का इमेजेस वगैरह देख पा रहे हैं, ऐसा है कुछ इंटरफेसिस का। तो ओपन करता हूँ दोस्तों, ओपन करते हुए सबसे पहले रखा मिल जाता है USB 2 टाइप सी केबल है, जो काफी इंटरेस्टिंग है टॉर्च में, पहली बार किसी भी टॉर्च में टाइप सी केबल देख रहा हूँ। और इसको निकालते हैं, इसको साइड में रखते हैं, और भी कुछ ऐसा है जिसके नीचे इसको निकालते हैं दोस्तों। यहाँ पे दो चीजें रखा मिल जाता है। यहाँ पे सबसे पहले इंटरेस्टिंग है, एक छोटा सा पिद्दू सा अच्छा सा देखने वाला अडेप्टर है, और एक दोस्तों स्ट्रैप है जिसको इसमें यूज वगैरह लगा सकते हैं, लगाकर यूज वगैरह कर सकते हैं। तो इन सबको साइड में रखते हैं। यह दोस्तों हमारा रॉक लाइट की ब्रांडिंग के साथ आने वाला LED टॉर्च, जिसकी सबसे पहले बिल्ड कलर एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करो तो कलर तो देख पा रहे हैं, ऑरेंज एंड ब्लैक का कलर कॉम्बिनेशन है जो देखने में काफी ज्यादा सही लग रही है। अगर आपको पसंद नहीं है कलर, तो आपके लिए और भी कलर ऑप्शन अवेलेबल है, लिंक वगैरह दे दूंगा, वहां से चेक वगैरह कर सकते हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करते तो बिल्ड क्वालिटी A2Z है, तो प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा मजबूत और काफी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी लग रहा है, लेकिन है काफी लाइट वेट। डिजाइन इस तरीके से किया गया कि देखने में आपको लग रहा है काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन जैसे बताऊं अगेन, अगर गिर वगैरह जाता हाथ से तो 100% लिख के देता हूँ टूट जाएगा, लेकिन आपको यूज वगैरह अच्छे से करेंगे तो नहीं होगा, वही है गिराना नहीं है, स्ट्रैप वगैरह लगा कर यूज कीजिए तो कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं आने वाली। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, रॉक लाइट की ब्रांडिंग की गई, RL 7144 की ब्रांडिंग की गई है। यहाँ पे भी सेम चीज मेंशन वगैरह किया गया है। आगे इसका इंडिकेटर लाइट है, LED लाइट वगैरह मिल जाता है, एक ही LED लाइट है लेकिन काफी ज्यादा ब्राइट है दोस्तों, देख पा रहे हैं अंदर। यहाँ पे मेंशन किया गया इसकी, यहाँ पे आपको ओरिजिनल स्टिकर की ब्रांडिंग रखी गई है। इधर की बात करूँ तो इधर दो बटन है, दो बटन यहाँ पे दिया गया, जिसको दोनों से यूज वगैरह कर सकते हैं, यूज वगैरह करना चाहे जिससे यूज वगैरह करना चाहे इससे कर सकते हैं, दोनों बटन से इसके लिए सेम काम होता है। मेरे को ये चीज मुझे समझ नहीं आया, दो बटन क्यों दिया ब्रांड ने, दोनों बटन से एक ही काम होता तो शायद इसलिए दिया होगा, पता नहीं कुछ ऐसे यूज वगैरह करने के लिए दिया होगा। और इधर की बात करो दोस्तों, इधर रखा मिल जाता है टाइप सी पोर्ट लगा हुआ मिल जाता है, जिससे इसको चार्ज वगैरह कर पाएंगे। उसके बगल में इंडिकेटर लाइट है, इसको लगाएंगे जैसे आपको तो रेड ब्लिंक करेगा, लेकिन फुल चार्ज हो जाएगा तो फुल चार्ज होने के बाद ऑफ हो जाएगा, लेकिन जैसे बताऊं तो अगर फुल चार्ज करते हैं तो इसको आपको 3 घंटे के आसपास लेगा, 3 से 4 घंटे का अंडर अंडर फुल चार्ज हो जाएगा। लेकिन एक बार यूज करने की बात करो दोस्तों, तो बेसिकली मैं अच्छे से यूज तो नहीं कर पाया, बेसिकली ब्रांड भी कहीं नहीं बताया कि इसमें कितनी एमएएच की बैटरी दी गई है और कितने घंटे चलने वाला है, लेकिन मैंने 2-2.5 घंटे के आसपास यूज किया था। जब तक सही से चल रहा था तो आपको मान सके चल सकते 4-5 घंटे के आसपास की बैटरी बैकअप मिल पाएगा। टेबल लैम्प वगैरह नहीं है कि आपको बैटरी बैकअप चाहिए, आप कभी कभी यूज करेंगे थोड़ी देर 15-20 मिनट यूज कर सकते हैं और उसके बाद आप रख देंगे। ये नहीं है कि आप लॉन्ग टाइम 3-4 घंटे यूज करेंगे तो उसमें उतना बैटरी बैकअप की मायने रखता नहीं। इसकी मायने रखता है दोस्तों, इसकी डिस्टेंस की बात करूँ तो इसका डिस्टेंस काफी ज्यादा ब्राइट है, काफी जो लाइट रोशनी है काफी सही है, 150 से 200 मीटर के आसपास इसकी रोशनी दूर तक जाता है। और जो 200 मीटर तक जहाँ पे आपको जैसे लाइट है ना, 200 मीटर पे किसी पॉइंट पे आपको लाइट को फोकस करते हैं तो वहाँ का जो विजुअल है काफी ज्यादा क्लियर दिखाएगा। ये नहीं है कि आपको क्लियर नहीं दिखाएगा, 150-200 मीटर के आसपास जो भी कोई भी पॉइंट होगा वहाँ पे आपको लाइट को विजुअल करेंगे, वहाँ पे आपको फोकस करेंगे तो काफी ज्यादा ब्राइट सब कुछ आप चीजें देख पाएंगे क्या है क्या नहीं है वहाँ पे। तो यूजफुल टॉर्च के मायने में काफी सही है। इसमें आपको इंडिकेटर लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, हायर लाइट है और ये नॉर्मल है, एक इसमें ऑप्शन भी मिल जाता है, और इसके आपको इंडिकेटर लाइट का ऑप्शन मिल जाता है जो बेसिकली
ड्राइवर्स वगैरह काम में लेते हैं, अगर ट्रक वगैरह चला रहे हैं, कहीं पे चला रहे हैं, किसी को कुछ, मतलब अलग अलग पर्पस यूज कर सकते हैं। तो प्राइजिंग की बात करो दोस्तों, तो प्राइजिंग है इसकी 1300 रुपये के आसपास। 1300 रुपये में दोस्तों मेरे हिसाब से वैसे तो पैसे ज्यादा है, लेकिन जो इसके पावरफुल, जो इसके लिए पावरफुल लाइट वगैरह मिलती है, ये बहुत कम ऐसे लैम्प में इतनी ब्राइट रोशनी, उतनी लॉन्ग डिस्टेंस के साधन वाला लैम्प वगैरह होता है, तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से वारंटी वगैरह मिल जाती है, तो काफी सही है। परचेज वगैरह करना चाहेंगे, लिंक वगैरह अमेजोन से मैंने परचेज किया, लिंक वगैरह मिल जाएगा, वहां से आसानी से परचेज कर पाएंगे। मेरी इस तरह आपसे फुल सपोर्ट है। अगर ब्रांड का नहीं आता, रॉक लाइट ब्रेक से ब्रांड है, वारंटी वगैरह मिल जाती है। अगर लोकल ब्रांड वगैरह होता तो मैं सपोर्ट नहीं करता कि परचेज किए, लेकिन जैसे रॉक लाइट की ब्रांडिंग के साथ आता तो काफी सही है। इसके पहले प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग मेरा रिव्यू कर चुका हूँ, तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आपको ऐसे लैंप की जरूरत है तो आंख बंद करके परचेज किए, लिंक वगैरह मिल जाएगा। और मैं कम प्राइस में लैंप वगैरह चाहिए, टॉर्च वगैरह चाहिए, तो उसका लिंक वगैरह दे दूंगा वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर वीडियो वगैरह देख सकते हैं, वहां पे आपको और भी सारे लैंप वगैरह टॉर्च वगैरह मिल जाएगा। तो चलिए फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, उसको भी बेल आइकन को भी क्लिक वगैरह कर देना। हाँ दोस्तों, और जैसे मैंने बताया था, क्वेश्चन मैंने किया था आप लोग से कि मैं एक लास्ट में क्वेश्चन वगैरह करने वाला हूँ, और जो भी आप लोग सही से अगर कोई बेसिकली क्वेश्चन को रिप्लाई करके मतलब आंसर वगैरह करता है, उनको कुछ देखता हूँ मनी प्राइज वगैरह दे दूंगा, लेकिन जो फर्स्ट कमेंट वगैरह करेंगे, जो पहला होंगे उनको ही मिलेगा। तो ये मेरा कमेंट सवाल आपसे है, क्या मैंने इस वीडियो को एक ही कट में बनाया है, बीच में वीडियो में कट लगाया है, आपको वीडियो को फुल वॉच करना है, अगर आपने किया तो आपको पता चलेगा होगा ध्यान से, तो ये आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है। जो फर्स्ट एक कमेंट करेंगे उनको मैं कुछ ना कुछ जरूर प्राइज मनी वगैरह दूंगा। तो चलिए फिर दोस्तों आज के लिए इतने, थैंक यू, धन्यवाद।